सो हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ओके, तो लास्ट सेशन में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल और यस स्पर्मेटोजेनेसिस का ओनली स्पर्मेटोजेनेसिस हमने इन डिटेल देख लिया था। स्पर्मेटोजेनेसिस को मैंने इन डिटेल समझाया था और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी एक छोटा पॉइंट हमने कंप्लीट किया था। तो आज देख रहे हैं गैमेटोजेनेसिस का दूसरा पॉइंट, इज ओजेनेसिस। ओजेनेसिस कंप्लीट होने के बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ ओविम भी देखने वाले हैं और उसके साथ साथ डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस इन दोनों का मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगी कि चलिए दोनों में एक्चुअली मेन चेंज क्या है या डिफरेंस क्या है। फेजेस तो दोनों में एग्जैक्टली सेम है, यस पहले तो है मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरी है ग्रोथ फेज और तीसरी है मल्टीप्लीकेशन सॉरी मैच्यूरेशन फेज। तो तीनों में फेजेस सेम है बट जो भी स्पर्म या एक तैयार होने की प्रोसेस जो है दैट इज ओव्यूम वो कुछ अलग सी है, वो मैं आपको इन डिटेल डिफरेंशिएशन में बताऊंगी। चलिए ओजेनेसिस से स्टार्ट करते हैं। यस इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग और ओव्यूम। डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इट इज अ प्रोसेस ऑफ formation of ovum or egg or ova is called as oogenesis. Okay, this is a type of gametogenesis. ये gametogenesis का एक main type है। अब oogenesis के अंदर भी as it is same ही phases होते हैं जो मैंने spermatogenesis में आपको बताए थे। Yes, first है there are three phases. फेजेस थ्री है, थ्री फेजेस। फर्स्ट फर्स्ट फेज दैट इज मल्टीप्लीकेशन फेज, फर्स्ट फेज मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकेंड है ग्रोथ फेज, थर्ड है यस मैच्यूरेशन फेज। थर्ड फेज इज कॉल्ड एज अ मैच्यूरेशन फेज। तो तीनों फेजों के अंदर क्या क्या मेन चेंजेस होते हैं ये तो मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया ही था, अब हम ओजेनेसिस के अंदर वाले चेंजेस को देखेंगे। ठीक है, वो कुछ which type of cell division occurs in these three phases? First cell division जो है वो है mitosis। इसमें कौन सी cell division होती है? Mitosis। यहाँ कोई भी cell division नहीं हो रही है, यहाँ cell relaxed condition में है, only growth दिखाते हैं और maturation के अंदर होता है meiosis। Okay? तो चलिए यही सेम तीन फेजेस मियोसिस माइटोसिस एज इट इज सेम था स्पर्मेटोजेनेसिस लाइक। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी ये सेम ही था। अब मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, तो चलिए टेक्स्ट बुक में एक शॉर्ट फॉर्म दिया है पीजीसी। पीजीसी पीजीसी का मतलब क्या है? प्रिमोर्डियल जर्म सेल, प्रिमोर्डियल जर्म सेल, प्रिमोर्डियल जर्म सेल आर हैप्लोइड और डिप्लोइड। कल भी मैंने बताया था जर्म सेल्स आर ऑलवेज एग्जैक्टली डिप्लोइड, जर्म सेल्स आर ऑलवेज डिप्लोइड। ओके, अब इन जर्म सेल्स के अंदर बहुत बार माइटोसिस होने के बाद जो भी सेल्स तैयार हो रहे हैं दे आर कॉल्ड एज यस ओगोनिया। बहुत सारे सेल्स तैयार होते हैं, बहुत सारे बहुत बार माइटोसिस होता है और नंबर ऑफ सेल्स तैयार हो जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स तैयार हो गए। एट द एंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन फेज जो भी सेल्स तैयार होंगे द सेल्स आर कॉल्ड एज ओगोनिया, ओगोनिया बोलेंगे हम उसे। ठीक है, ये जो मैं आपको रेड से रेड पेन से डिनोट कर रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें किस तरह से क्वेश्चन घुमा फिर के पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होने के
बात। नेक्स्ट, अब इनमें से एक ओगोनिया एंटर करता है ग्रोथ फेज के अंदर। वन ओगोनिया एंटर इनटू ग्रोथ फेज, और ये ग्रोथ फेज में एंट्री करने के बाद ये खुद को ग्रो करता है। ग्रो करता है इसका मतलब इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गॉल्जी बॉडीज हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो, उसका नंबर बढ़ जाता है। तो यहाँ गॉल्जी बॉडी, बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज होता है। इनका नंबर क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। और आफ्टर द इंक्रीजिंग और ग्रोइंग द साइज ऑफ ओगोनिया, इन सेल को कहा जाता है प्राइमरी ओगोनिया, प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट। ओके, नेक्स्ट, प्राइमरी ओसाइट अंडरगोस एंटर इनटू द मैच्युरेशन फेज। प्राइमरी ओसाइट कहां एंट्री करता है? मैच्युरेशन फेज के अंदर। अब ये जो मैच्युरेशन फेज के अंदर एंट्री कर लेता है तो इसके अंदर कौन सी डिवीजन होनी चाहिए? एग्जैक्टली मियोसिस डिवीजन होनी चाहिए। तो यहाँ मियोसिस वन और मियोसिस टू दोनों भी फॉलो होते हैं, बट चलिए दोनों किस तरह से फॉलो किए जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो प्राइमरी ओसाइट अंडरगोज फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ये क्या, इसमें क्या हो जाता है? मियोसिस वन, मियोसिस वन हो जाता है। मियोसिस वन होने के बाद इनमें दो अनइक्वल सेल्स तैयार होते हैं। क्या बोल रही हूं? आफ्टर द मियोसिस वन प्राइमरी ओसाइट अंडरगोज, प्राइमरी ओसाइट टू डॉटर सेल्स फॉर्म करता है एंड दिस टू डॉटर सेल्स आर अनइक्वल। समझ में आ रहा है? प्राइमरी ओसाइट अंडरगोज मियोसिस वन टू फॉर्म टू अनइक्वल सेल्स। आउट ऑफ दिस टू अनइक्वल सेल्स द लार्जर सेल इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट। समझने में आसानी होगी। तो यहां जो लार्जर बन जाती है और एक स्मॉलर, लार्जर वन इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी ओसाइट एंड स्मॉलर इज कॉल्ड एज फर्स्ट पोलर बॉडी, पोलर बॉडी वन, पोलर बॉडी वन। ओके, एक पोलर बॉडी तैयार हो जाती है और वन फर्स्ट पोलर बॉडी, ऐसे भी आप देख सकते हो फर्स्ट पोलर बॉडी। नेक्स्ट, अगेन यहाँ एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि सेकेंडरी ओसाइट जो है वो अगेन मियोसिस टू में जाता है बट नॉट इमीडिएटली। तो नॉर्मली यहाँ मियोसिस वन के अंदर जो भी सेल डिवीजन है वो अरेस्ट हो जाती है। तो जो भी ओजेनेसिस है, ओजेनेसिस में जो भी प्रिमोर्डियल सेल्स है या सेकेंडरी ओसाइट्स है वो जनरली अरेस्ट हो जाते हैं एट अ मियोसिस टू, अरेस्टेड एट अ मियोसिस टू, सॉरी मियोसिस वन, अरेस्टेड एट अ मियोसिस वन, अरेस्टेड एट मियोसिस वन में ये अरेस्ट हो जाते हैं। मतलब चलिए यहां से यहां से फटाफट सेल डिवीजन हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है और ये आके अटकेंगे कहां? सेकेंडरी ओसाइट में। सेकेंडरी ओसाइट का मतलब एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैंने आपको कल बताया था कि देर आर फोर फेजेस। फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज यस मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस या ब्लीडिंग फेज बोल सकते हो। सेकेंड फेज को मैंने बोला था प्रोलिफरेटिव या फोलिकुलर फेज एंड थर्ड फेज ओव्यूलेटरी फेज। तो ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? रिलीज ऑफ ओव्यूम फ्रॉम ओवरी, बट वो ओव्यूम नहीं रिलीज कर रहा है ओवरी से, ओवरी के अंदर से एक्चुअली जो ग्राफियन फोलिकल्स होते हैं वो सेकेंडरी ओसाइट के फॉर्म में ओव्यूम को रिलीज करते हैं। तो जनरली एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ओव्यूम रिलीज नहीं हो रहा है, वहां से रिलीज हो रहा है सेकेंडरी ओसाइट, रिलीज होगा
मियोसिस सेकेंड नहीं होगा, मियोसिस वन कंप्लीट होने के बाद वहां से सेकेंडरी ओसाइट फॉलिकल से रिलीज हो रहा है। कैसे रिलीज हुआ था? यस, ये स्ट्रक्चर हमने निकाला था, इस तरह से ओवरी थी, ये कुछ फॉलिकल्स थे और यहां से ये रिलीज हो चुका था, ठीक है, इसको कॉल्ड एज सेकेंडरी ओसाइट ग्राफियन फॉलिकल से, और यहां बना था कार्पस लुटियम और यहां कार्पस अल्बिकम था, ठीक है। अब ये ओवियम या सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होने की प्रोसेस है, द टर्म इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, एग्जैक्टली। अब जब स्पर्म और ओवियम का फर्टिलाइजेशन होता है और एनी वन ऑफ द स्पर्म ये एंटर इनटू द सेकेंडरी ओसाइट, जब भी कोई भी एक स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट के साथ फर्टिलाइज होता है, मतलब चलिए ये है सेकेंडरी ओसाइट और यहां से एक स्पर्म इसको फ्यूज कर चुका है, अंदर एंट्री कर चुका है, यहां से ये कट होगा, टेल बाहर रहेगी, ठीक है। कैसे बताएंगे हम, देखेंगे इन डिटेल फर्टिलाइजेशन के अंदर। जब भी स्पर्म का हेड ओव्यूम के अंदर एंट्री कर लेता है तब ही इमीडिएटली यहां मियोसिस सेकेंड फॉलो होता है। When sperm enter into the ovum या secondary oocyte, immediately secondary oocyte undergoes meiosis second. Meiosis second के अंदर ये जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, यहाँ arrest होता है। और after fertilization, again secondary oocyte is converted into ovum. ये किसमें convert होता है? ओव्यूम में, इट इज कन्वर्टेड इनटू द ओव्यूम, और अगेन जो पोलर बॉडी होती है उसमें मियोसिस सेकेंड में भी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। मैं क्या बोल रही हूँ समझ में आ रहा है? फर्स्ट पोलर बॉडी जो तैयार हुई है वो नॉर्मली डू नॉट अंडरगो मियोसिस सेकेंड, या ये मियोसिस सेकेंड को फॉलो नहीं कर रहा है नॉर्मली, बट इन सम केसेस फर्स्ट पोलर बॉडी अंडरगोस मियोसिस सेकेंड। नॉर्मली ये मियोसिस सेकेंड नहीं कर रहा है, बट कुछ केसेस में ये करेगा भी, और यहां दो इस तरह से सेकेंड पोलर बॉडीज तैयार होंगे और यहां भी तैयार होगा सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब यहां लिखते हैं, ये है सभी के सभी क्या है, ब्लैक से लिखते हैं, टू ईयर, मतलब ओगोनिया का नंबर क्या होता है, हैप्लॉइडी नंबर क्या होता है, टू ईयर। ओसाइट भी अभी तक रिडक्शनल सेल डिवीजन में नहीं गया है, खाली इस टू ईयर से ये वाला बड़ा वाला टू ईयर तैयार हो रहा है, तो इसका मतलब प्राइमरी ओसाइट भी क्या है, डिप्लॉइड ही प्लॉइडी दिखा रहे हैं। अब सेकेंडरी ओसाइट क्या होगा, चलिए आप ही बताइए। यस, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, एग्जैक्टली। व्हाई सेकेंडरी ओसाइट बिकम्स हैप्लॉइड, बिकॉज़ प्राइमरी ओसाइट अंडरगोस रिडक्शनल डिवीजन, बिकॉज मियोसिस वन इज अ रिडक्शनल सेल डिवीजन, मियोसिस टू इज एन इक्वेशनल सेल डिवीजन। तो यहाँ मियोसिस वन कंप्लीट होने के बाद प्राइमरी ओसाइट जो डिप्लॉइड था वो कन्वर्ट हो रहा है हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट में, ठीक है। अब यहाँ अगेन जो ओव्यूम तैयार हो रहा है वो तो 100% क्या होगा, हैप्लॉइड ही होगा, देयर इज नो एनी चांस पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड होंगे, बट पोलर बॉडी का यहाँ कुछ स्पेसिफिक इस तरह का फंक्शन नहीं है। तो चलिए कुछ मेन पॉइंट्स में आपको बता रही हूँ, अगेन आपको नोट डाउन करना है। ओजेनेसिस का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक ओवा और ओव्यूम, की प्रोसेस है सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट, ओजेनेसिस में थ्री मेन फेजेस है, एक है मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज और तीसरा है मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज में खाली एक सेल से बहुत ज्यादा सेम प्लॉइडी नंबर मेंटेन करने वाले सेल्स तैयार हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, ओके। मल्टीप्लीकेशन ऑब्वियसली माइटोसिस करा रहा है। ग्रोथ फेज में छोटा सा प्राइमरी ओगोनिया थोड़ा सा बड़े साइज का हो रहा है, टोटली रिलैक्स करने के बाद, या कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी सेल डिवीजन नहीं कर रहा है, खाली ये खुद को रिलैक्स कंडीशन में खुद को ग्रो करा रहा है। ग्रो होते वक्त इसके अंदर का
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या गॉल्गी बॉडीज हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो, उसका नंबर वो नॉर्मली बढ़ा रहा है, एज वेल एज साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी बढ़ेगा. ऑब्वियसली सेल छोटी से बड़ी हो रही है, इसका मतलब साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी इसमें ज्यादा होना चाहिए, होगा ही. नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ ग्रोथ फेज यहाँ क्या तैयार हो रहा है? एग्जैक्टली प्राइमरी ओसाइट तैयार हो रहा है. करेक्ट. अब प्राइमरी ओसाइट का प्रोडी नंबर क्या है? यस, प्राइमरी ओसाइट का प्रोडी नंबर क्या है? यस, दे आर डिप्लॉयड. यस, डिप्लॉयड. व्हाई? कोई भी मियोटिक डिवीजन नहीं है. नेक्स्ट, अगेन थर्ड फेज में ये प्राइमरी ओसाइट एंट्री करेगा. थर्ड फेज के अंदर मियोसिस ही होता है, वो मियोसिस 1 हो या मियोसिस 2 हो. ठीक है, अब प्राइमरी ओसाइट अंडरगोस मियोसिस 1 टू फॉर्म टू अनइक्वल सेल्स. After the meiosis 1, primary oocyte is divided into two daughter cells, और वो भी कैसे हैं? Unequal. Out of this, smaller cell is called as the first polar body and larger cell is called as the secondary oocyte, जो कि अब haploid रहेगा. Why? Because meiosis 1 is a reductional cell division. Okay. Normally, what ध्यान में रखना है? Normally, first polar body not undergoes meiosis. Second, but भी हो सकता है, वो हमारे टेक्स्टबुक में लिखा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट, सेकेंडरी ओसाइट भी अगेन सेकेंड मियोसिस में जाता है और यहाँ दो अगेन अनइक्वल सेल्स तैयार करता है. आउट ऑफ दिस लार्जर सेल इज कॉल्ड एज अ ओव्यूल एंड स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज यस अगेन सेकेंड पोलर बॉडी. ठीक है, अब जो रेड सेल मैंने दिखाया है या डिनोट किया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ओ बोनिया कब तैयार होती है, प्राइमरी ओसाइट कब तैयार होता है, सेकेंडरी ओसाइट कब तैयार होता है, कौन सी फेज में अरेस्ट हो जाती है कंडीशन, दैट इज मियोसिस 1 के बाद ही अरेस्ट हो जाती है. मियोसिस 2 कब होता है? आफ्टर इमीडिएट फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म विद ओव्यूल. Okay, जब भी ओव्यूम स्पर्म के साथ फ्यूज होता है या स्पर्म ओव्यूम के साथ फ्यूज होता है, तब इमीडिएटली यस मियोसिस 2 फॉलो किया जाता है और वहां फॉर्म होता है मैच्योर ओव्यूम. ओके ओके, होप सो ये पॉइंट क्लियर हो चुका है. कल जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था वो, और आज जो हम देख रहे हैं वो ओजेनेसिस. होप सो समझ में आ चुका है. टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि मेल और फीमेल गैमेटोजेनेसिस में एक्चुअल डिफरेंस क्या है. मैं फेजेस तो वही रख रही हूँ, खाली इसको रफ कर रही हूँ. और अब यहाँ हम लिखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का एक फ्लो चार्ट, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये डिफरेंशिएट करवा के देगा कि चलिए दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है. ओके, अब एक मैं ब्लू से ड्रॉ कर रही हूँ, दूसरा रेड से ड्रॉ करूंगी. ब्लैक और ब्लू से, सॉरी. यहाँ स्पर्म प्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस लिखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस. ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा? यस, चलिए प्रिमोर्डियल जर्म सेल डिप्लॉयड. ठीक है, अब प्रिमोर्डियल जर्म सेल मल्टीप्लीकेशन फेज के अंदर बहुत सारे क्या तैयार करेंगे, इनको क्या नाम दिया था हमने कल? यस, स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, अब इसमें से जो भी स्पर्मेटोगोनिया है वो एंट्री करेंगे नेक्स्ट फेज के अंदर. ठीक है, ग्रोथ फेज, यहां हम लिखेंगे ग्रोथ फेज और यहां इसका मैच्योरेशन होगा. कल मैंने आपको सिखाया है, खाली इसका फ्लो चार्ट में फटाफट ड्रॉ कर रही हूं. अगेन ये जो है वो रिडक्शनल सेल डिवीजन में जाएगा मियोसिस 1 के अंदर और यहां दो सेल्स तैयार होंगे. अगेन अंडरगोस मियोसिस 2 और इनमें होगा अब मैचुरेशन डेवलपमेंट और इस तरह से ये स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे.
ओके चलिए यहाँ क्या होता है, एज इट इज सेम ही केस तैयार होती है। यहाँ भी पीजीसी जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स है वो बहुत बार माइटोसिस में जाएंगे और बहुत सारे उगोनिया तैयार करेंगे, करेक्ट। अभी ये स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था, इस तरह से कुछ दिखाई देगा। अब नेक्स्ट, सॉरी, ये तो सभी को पता है तो फटाफट से मैं इसको ड्रॉ करूंगी। बहुत बार मल्टीप्लिकेशन में जाएगी। नेक्स्ट, ये एंट्री करेगी ग्रोथ फेज के अंदर। ग्रोथ फेज के बाद ये दो अनइक्वल सेल्स तैयार करेंगे, ठीक है, अगेन अनइक्वली ओके। चलिए इनके नाम लिख देते हैं, रेड सेल स्पर्मेटोगोनियम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यही डिफरेंस है एक्चुअली में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ या मोटाइल स्पर्म भी आप इसे कह सकते हो, जो कि मैंने कल आपको बताया था। नेक्स्ट, यहाँ पीजीसी है, डिप्लॉइड है, और यहाँ डिप्लॉइड ही क्या तैयार हो रहा है, वो गोनिया तैयार हो रहा है। यहाँ प्राइमरी उ साइट, सेकेंडरी उ साइट, और यहाँ ओव्यूल, ये फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, ओके, मियोसिस वन मियोसिस टू। अब चलिए ये हमें देखना है कि चलिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आप बताओ कि ग्रोथ फेज, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर दोनों में, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ओके, दोनों में माइटोसिस हो रहा है, बहुत बार मल्टीप्लिकेशन के बाद ये स्पर्मेटोगोनियम तैयार करेगा, ये ओगोनियम तैयार करेगा, दोनों की क्या है, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, नो एनी चेंज। अब चेंज होगा एक्चुअली ग्रोथ फेज के अंदर। इन ग्रोथ फेज ऑल स्पर्मेटोगोनिया एंटर इनटू द ग्रोथ फेज, यहाँ एक ही दिखाया है, बट यहाँ नॉर्मली सभी के सभी स्पर्मेटोगोनिया एंट्री करते हैं ग्रोथ फेज के अंदर, बट यहाँ ओनली वन ओगोनिया एंटर इनटू यस ग्रोथ फेज। समझ में आ रहा है, स्पर्मेटोगोनिया, ऑल स्पर्मेटोगोनिया एंटर इनटू ग्रोथ फेज, और यहां ओनली वन ओगोनिया एंटर इनटू द ग्रोथ फेज, ऑल ओनली वन। नेक्स्ट, ये मियोसिस वन कंप्लीट होने के बाद, मियोसिस वन कंप्लीट होने के बाद दो इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तैयार करेगा, बट यहाँ मियोसिस वन कंप्लीट होने के बाद ओनली एक ही सेकेंडरी ओसाइट तैयार करेगा, और दूसरा जो छोटा तैयार हो रहा है वो पोलर बॉडी तैयार करेगा। इसका मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस वन टू फॉर्म टू इक्वल सेकेंडरी ओसाइट। समझ में आ रहा है, नेक्स्ट डिफरेंस है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस वन टू फॉर्म टू इक्वल प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट अंडरगोज मियोसिस वन टू फॉर्म टू अनइक्वल सेल्स, आउट ऑफ दिस स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज अ पोलर बॉडी एंड लार्जर सेल इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी ओसाइट। नेक्स्ट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर नॉट अरेस्टेड एट मियोसिस वन, यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये अरेस्ट नहीं होते, बट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज अरेस्टेड एट मियोसिस, आफ्टर द मियोसिस वन में ये अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट, पोलर बॉडीज आर फॉर्म इन ओजेनेसिस, डज नॉट फॉर्म इन स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट, आफ्टर द मियोसिस टू इमीडिएटली सेकेंड मियोसिटिक डिवीजन कंप्लीट होती है, आफ्टर द मियोसिस वन
meiosis two immediately followed in spermatogenesis process and to form spermatid. But in oogenesis process secondary oocyte ki immediately meiosis second mein nahi ja raha hai, ye arrest hota hai meiosis one mein. Aur ye second meiosis two kab karta hai? Immediately after fertilization, jab bhi sperm ovule ke andar entry kar leta hai tab immediately second meiosis follow hota hai. Yes, ये मैंने आपकी डायग्राम में आपको बताया था. चलिए यहाँ सिंगल एक सिंगल स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म तैयार हो रहे हैं या ओटीट्स तैयार हो रही है, सॉरी, या स्पर्मेटिड तैयार हो रही है या स्पर्मेटोसोआ तैयार हो रहा है. ओके, ये सारे क्वेश्चन पूछा सकते हैं. एक स्पर्मेटोसाइट से दो प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तैयार होंगे. ओके, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटिड तैयार होंगे? दो, ऑब्वियसली. और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने तैयार हो रहे हैं? चार स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटिड. इस तरह से क्वेश्चन आपको मे भी एक स्पर्मेटो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पूछा जा सकता है या एक सिंगल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पूछा जा सकता है या एक सिंगल स्पर्मेटिड पूछा जा सकता है. तो ये जो फ्लो चार्ट मैंने फटाफट ड्रॉ किया है, इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है. किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप इसका आंसर दे सकते हो. नेक्स्ट, अब यहाँ आते हैं. एक सिंगल प्राइमरी ओसाइट कितने ओव्यूम तैयार करता है या कितने सेकेंडरी ओसाइट तैयार करता है? ऑब्वियसली सिंगल प्राइमरी ओसाइट एक ही सेकेंडरी ओसाइट बनवाएगा और एक सेकेंडरी ओसाइट एक ही ओव्यूम बनवाएगा. एंड पोलर बॉडीज जो कितने बनवाएगा? मे बी टू पोलर बॉडीज, क्योंकि ये नॉर्मली नहीं तैयार होते, तो दो पोलर बॉडीज तैयार होंगी, एक वन आने और एक टू. ठीक है, बट यहाँ टोटली एट द एंड कितने पोलर बॉडीज बन रहे हैं? थ्री पोलर बॉडीज बन रहे हैं. बट क्वेश्चन इस तरह से पूछा था कि प्राइमरी ओसाइट कितने ओव्यूम तैयार करता है, एक से एक ही तैयार होगा और यहाँ एक से चार तैयार होंगे. जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जो भी टेट्राड फॉर्मेशंस थे, जैसे पोलन ग्रेन वाला था और मेगा स्पोर वाला था, उसी तरह से सेम केस यहाँ फॉलो होती है. जो कि एक मदर सेल चार पोलन ग्रेन तैयार करवाती है, वैसे यहाँ एक मदर सेल मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फोर स्पर्म तैयार करता है और यहाँ एक सेकेंडरी प्राइमरी ओसाइट एक ही ओव्यूम तैयार करता है. तो इस तरह से ये है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस. होप सो अच्छी तरह से ये आपको क्लियर हो चुका है किसमें पोलर बॉडीज तैयार होते हैं, किसमें नहीं होते हैं, कौन अरेस्ट होता है, कौन अरेस्ट नहीं होता है, पोलर बॉडीज कहाँ तैयार होती है, पोलर बॉडीज कहाँ तैयार नहीं हो रही है, कौन से मेन फेजेस है, किस फेज के अंदर माइटोसिस होगा, किस फेज के अंदर मियोसिस होगा. तो ये था आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस. चलिए टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, समझ में आया? ये अरेस्ट नहीं हो रहा है, वो अरेस्ट हो रहा है. ओके, तो चलिए इस फीमेल के अंदर का और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, जब भी फीमेल चाइल्ड तैयार होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, देन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कितने रहते हैं और एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने होते हैं. ओके, तो जब भी बच्चे जब भी वो यूटेरस में होती है तो 2 मिलियन ऑफ जर्म सेल्स होते हैं, प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं प्राइमरी, देन एट द टाइम ऑफ बर्थ वो 1 मिलियन रह जाते हैं और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी तक वो 40,000 रह जाते हैं. और उनमें से कितने मेंस्ट्रुअल साइकल्स में प्ले करते हैं तो वो भी मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताया था. चलिए अगर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज की होती है? 28 डेज की. तो पर ईयर अगर निकाल रहे हो तो 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ईयर होती है. ऐसे आप सोचोगे कि चलिए 12 मंथ है तो 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल, नहीं, 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उस पर ईयर 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है. मीनाश कितने एज में होता है? 13, एक एवरेज.
और मेनोपॉज कब होता है, स्टॉप कब होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, 45 to 55, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है वही हम कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो भी एज बचता है 45 से 30 माइनस करो, जो भी एज बचता है इनटू 13 अगर किया जाए तो 416 एग या ओव्यूम तैयार होते हैं उस लेडीज के बॉडी में। तो 416 एग तैयार हो रहे हैं, इसका मतलब 416 बच्चे नहीं तैयार हो रहे हैं। अगर इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स देन वो प्रेग्नेंट रहेगी और बच्चे पैदा करेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये था आज का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ विद स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ हम नेक्स्ट सेशन में ये फर्टिलाइजेशन को भी हम डिटेल देखने वाले हैं। चलिए, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट जरूर देना है और लाइक भी करना है। चलिए, अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पवन मार्ग एकेडमी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर विद दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूम के साथ।